हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं इयत्ता चौथी मराठी सुलभ भारती का लेसन नंबर है 23, माझा अनुभव 2, मतलब मेरा एक्सपीरियंस। अनुभव मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, नंबर है 2। देखते हैं, यहाँ पे देखिए पिक्चर है, यहाँ पे दिख रहा है एक बच्चा है, उसकी मम्मी बीमार लग रही है, वो मम्मी की देखभाल कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। शाळा सुटली मतलब मेरी जो स्कूल है छूट गई। मी घरी आलो मतलब मैं घर पर आ गया। इकड़े तिकड़े पाहिले मतलब मैंने यहाँ वहाँ देखा। तर आई झोपलेली दिसली, मैंने यहाँ वहाँ घर में देखा झांका तो देखा कि मेरी जो मम्मी है वो सोई हुई थी। या वेड़ी ती अशी कदीच झोपत नहीं मतलब इस तरह से, इस टाइम पे, वेड़ी मतलब इस टाइम पे, इस तरह से मेरी मम्मी कभी भी नहीं सोती है। मी आई जवर गेलो मतलब मैं अपने मम्मी के बाजू में जाकर बैठ गया। आई तुला भर वाटत नहीं का मतलब वो बच्चा अपनी मम्मी से पूछ रहा है, मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। असे विचारत मी त्याचा शेजारी बसलो मतलब ऐसा सोचते सोचते मैं उसके बाजू में जाकर, शेजारी मतलब उसके बाजू में जाकर बैठ गया। आईचा अंगला हाथ लावून पाइला मतलब मैंने अपनी मम्मी के बॉडी को हाथ लगा कर देखा, क्योंकि बच्चे को लग रहा था कि मेरी मम्मी इस टाइम तो सोती नहीं है, क्यों सोई है, इसका मतलब है मेरी मम्मी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। आईला खूब ताप आला होता मतलब मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा ताप मतलब बुखार आया हुआ था। तिचे अंग तापाने फड़ फड़त होते मतलब उसका जो अंग मतलब उसकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा बुखार के कारण फड़ फड़त मतलब कांप रही थी, क्योंकि बच्चों क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है ना तो बहुत वीकनेस आ जाती है और वीकनेस की वजह से बॉडी जो है कांपने लग जाती है। तो यहाँ पे बच्चा बता रहा है कि मेरी मम्मी को बहुत बुखार आया था और बुखार की वजह से उसकी जो बॉडी थी कप कपा रही थी। मी लगेज ठंड पानी घेतले मतलब मैंने ठंडा पानी लाया। स्वच्छ रुमाल घेतला मैंने एकदम साफ रुमाल लेकर आया, स्वच्छ मतलब साफ। तो ठंड पानियात बुड़वला मतलब वो जो रुमाल थी वो मैंने ठंडे पानी में डुबा दिया। मी आईच्या कापड़ावर रुमालाच्या घड़िया ठेवू लागला मतलब मैंने क्या किया, आई का जो फोरहेड था, जो माथा था, उसके ऊपर रुमाल को घड़ी करके, ठंडे पानी में डुबा के घड़ी करके जो आई है उसके फोरहेड पे मतलब सर के ऊपर मैंने रख दिया। काही वेड़ा ने आईचा ताप थोड़ा सा कमी जाला मतलब थोड़े काही वेड़ा ने मतलब कुछ टाइम के बाद आईचा मतलब मेरे मम्मी का ताप मतलब बुखार थोड़ा सा कम हुआ। मी डॉक्टरा कड़े गेलो मतलब मैं डॉक्टर के पास गया। त्याना घरी गेऊन आलो मतलब मैं जाकर डॉक्टर के पास गया और मैं डॉक्टर को घर पर लेकर आ गया। डॉक्टरा ने आईला तपास ले मतलब डॉक्टर ने मेरी आई को देखा। औषधे लिवून दिले मतलब औषधे मतलब दवाइयाँ, लिवून मतलब लिवून का मतलब है लिखना, दिले मतलब औषधे मतलब दवाई लिखकर दे दिया। मी आईला चाहा करून दिला मतलब मैंने अपने आई को, अपनी मम्मा को चाय बनाकर दिया। थोड़िया वेड़ा ने आईला जोप लागली मतलब थोड़ी देर के बाद, वेड़ा ने मतलब थोड़े टाइम के बाद, आई ने मतलब मेरी आई को जोप मतलब नींद आ गई मतलब थोड़ी देर के बाद मेरी आई को, मम्मी को नींद आ गई। मी घरी आवले मतलब मैंने घर को ठीक कर दिया।
घर स्वच्छ झाड़ून घेतले, मतलब मैंने घर को अच्छे से झाड़ू वगैरह कर साफ कर लिया। तेवड़ात बाबा आले, उतने में मेरा बाबा मतलब मेरा फादर पप्पा आ गया। त्याने डॉक्टरानी दिलेली औषधि आणले, मतलब मेरे पप्पा ने डॉक्टर की लिखी हुई जो दवाई थी वो लेकर आ गए। आईला दिली, हम लोग ने आई को दवाई मतलब अपनी मम्मी को जो दवाई थी जो पप्पा लेकर आया था वो दिया। आता आईला थोड़े बड़े वाटून लागले, इतने में आई को दवाई लेने के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगा। आई उठून बसली, आई मतलब मेरी मम्मी उठकर बैठ गई। बाबा मनाले तू उठ नकोस, मतलब मेरे पापा ने फादर ने बोला आई को कि तू नहीं उठो, आराम कर मतलब तुम आराम करो। जेवणाची मी बगतो, मतलब खाने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, मतलब मैं खाना बना लेता हूँ, बिकॉज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। और उस बच्चे ने क्या किया, पूरे घर की सफाई किया, मम्मी को चाय दिया, उसके सर के ऊपर ठंडे पानी का रुमाल रखा और अपनी मम्मी को आराम दिया। और पप्पा ने क्या किया, घर में खाना बनाया, दवाई लेकर आए। आईच्या चेहरावर समाधान दिसला, मतलब हमारे आई के चेहरे मतलब फेस पे समाधान मतलब अच्छा, उसका फेस अभी अच्छा हो गया क्योंकि वो थोड़ी ठीक हो गई दवाई लेने के बाद, तो उसको अच्छा लगने लगा। आईचा आनंदी चेहरा पाऊन आमाला ही आनंद झाला, मतलब हमारी आई मेरी आई का मतलब मेरी आई का जो चेहरा था खुश देखकर हम दोनों को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो बच्चा अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था और मम्मी की देखभाल अच्छी तरह से उसने किया तो उसकी मम्मी ठीक हो गई। तो बच्चों आपको भी अपनी मम्मी की देखभाल करनी चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खूब पढ़िए और खूब खुश रहिए।